धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं रशीदी? भारत को नहीं, साजिद रशीदी, आप भारत माता को एक धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल धर्म बिल्कुल जोड़ा जाएगा भाई, जब आप कहेंगे कि भारत माता की जय बोलो जबरदस्ती तो नहीं नहीं नहीं, नहीं जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पहले बताइए आपने धर्म से कैसे जोड़ दिया? आपने हिंदू धर्म की कौन सी किताब में कहां पढ़ा भारत माता, मुझे बताइए। आप ही तो बोल रहे हैं भारत माता। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं भारत माता की जय, जहां आपने पढ़ा होगा। नहीं तो किसी और धर्म में माता को माता नहीं कुछ और कहा जाता है क्या? कहां से बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, किसी भी धर्म में माता को माता ही कहा जाता है, ऐसा तो नहीं कि अलग टर्म कॉइन कर दिया गया है। सुनो सुनो, आपने कहा ना कि हमारे धर्म का नहीं है, किसी और के धर्म का है, तो आप बताइए किस धर्म का है, मुझे उसका सबूत दीजिए। सुनिए, चार, नहीं नहीं मैंने नहीं बोला कि दूसरे धर्म, मैं बोल रहा हूं चारों वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, गीता में कहीं बता दो भारत को माता कहा गया हो। तो इसीलिए तो कह रहा हूं फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए रशीदी, बता दो मुझे। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अरे आप जबरदस्ती मेरी आस्था को चोट करोगे, मैं तो इबादत अल्लाह की करता हूं। अरे साजिद रशीदी, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा कि एंटी इस्लामिक टाइप का है, हमारी आस्था को चोट पहुंच रही है, तो मैंने पूछा तो कि कहां से आपने मान लिया कि आपके धर्म का नहीं है, हिंदू धर्म का या किसी और धर्म का है? आप खुद कह रहे हैं किसी उपनिषद वेद पुराण में कहीं जिक्र नहीं है, तो भाई तब तो आपको मान लेना चाहिए, आपके धर्म में भी मां को मां ही कहा जाता होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और कहा जाता है। हां तो भारत मेरी, मैं अपनी मां को उस मां को मानता हूं जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं भारत को माता नहीं मानता। अच्छा। आप लोगों की तरह हर चीज को जो है देवी देवता नहीं समझता मैं, मेरे इस्लाम में नहीं है चीज, मेरी आस्था में नहीं है चीज, तो आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी आस्था पर रहो, हम मना तो नहीं करते कि हिंदू को इस आस्था पर नहीं रहना चाहिए, आपकी आस्था है आप बोलो, लेकिन आप सोचोगे कि साजिद रशीदी भी बोले, क्यों बोले भाई? मुझे तो संविधान ने इजाजत दी है अपने धर्म पर अमल करने की, मैं तो अपने धर्म पर अमल कर रहा हूं। सब संविधान का कहा मानते हैं है। भारत को माता मानना, सब संविधान का कहा मानते हैं साजिद रशीदी आप? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, संविधान तो बहुत कुछ कहता है, उसके नीति निर्देशक तत्व में यूसीसी है, नाम ले लूंगा तो आप बौखला जाएंगे, उसी संविधान ने केंद्र सरकार को ताकत दी कानून बनाने की, सीए कानून बन गया, आपको दिक्कत हो गई? नहीं नहीं, हंसी नहीं, हंसने की बात नहीं है, पहुंची खाक, हंसने की बात नहीं है, भारत माता की जय के नारा पहुंची इस देश के क्रांतिकारियों ने भी लगाया, तो हंसी मत, और 15 अगस्त के एक दिन पहले तो बिल्कुल भी मत हंसी। मुसलमान सुनिए, मुसलमान भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगा, ये इस्लाम की आस्था के खिलाफ है। नहीं नहीं, शिवम त्यागी सारे मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर बैठे, नहीं मानेंगे। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय का नारा मैं अभी लगा देती हूँ। एक चीज है, भारत अंबर आराम, हाँ देखिए, भारत माता की जय ना तो हिंदू धर्म का है, ना मुस्लिम धर्म का है, ना सिख का, ना ईसाई का। मैं कहता हूं कि भारत माता की जय बोलने में ना हिंदू को परेशानी है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जब ये धार्मिक नाता है ही नहीं, और मियां रशीदी तो बहुत सारी डिबेट्स में हमारे साथ रहे हैं, तो आज ही हमारे साथ मिलकर भारत माता की जय लगाएंगे। अच्छा रशीदी, अगर लगा देंगे तो क्या ही दिक्कत है इसमें, तो कोई ऐसा धार्मिक तो मामला ही नहीं है इसमें, कौन सा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जय महाकाल लगा दीजिए, मैं भारत माता की जय कह रहा हूं, सीधी सीधी बात है, इसमें धर्म का कहां लेना देना है कुछ, ये तो देश का विषय है। आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए, अब बताओ कैसे बोलना है, अल्लाह अकबर, लो बोल दिया, अब बोल दो भारत माता की जय, अल्लाह अकबर बोल दिया, अल्लाह अकबर, अरे कहो तो कलमा पढ़ दूं, लेकिन अब बोल के दिखाओ भारत माता की जय, बोल दिया अल्लाह अकबर, बोलो भारत माता की जय, मैंने भी बोल दिया कि भारत माता की जय इस्लाम में नहीं है। ये देखिए भारत माता की जय बोल तो दिया आपने, इस्लाम में नहीं है, ऐड करके अगर उसको हटा दो तो आपने बोल दिया। खैर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय यहां पर ये है, इस्लाम में नहीं है, भारत माता की नहीं, भारत माता की जय के नाम के ढाबे चला के देश को खाना तो खिलाएंगे, लेकिन उस पे नारा नहीं लगाएंगे, जय श्री राम को नफरत तो बताएंगे लेकिन उसके नाम से ढाबा चलाकर देश को खाना खिलाएंगे, जय श्री शाम का नारा नहीं लगाएंगे, वैष्णो माँ का नारा नहीं लगाएंगे, ये सब इनका धर्म भ्रष्ट कर देता है। लेकिन जब सरकार इनसे कहती है तो एक काम करो जरा ये नाम भी हटा लो ढाबों पर से, कि नहीं 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 ये क्या कर दिया, ये तो हमारी रोटी बंद कर दी, ये कर दिया, मतलब देश के नाम के, देश के नाम पर, भगवान के नाम पर धंधा तो चाहिए, लेकिन उस मिट्टी के आज जब भारत माता की जय लगाने का नाम आता है, जब मौका आता है, तब नहीं लगाते ये लोग, अरे गजब बात हो गई, कहीं है मतलब, रहोगे इस मिट्टी में, रहोगे इस देश में, खाओगे इस देश का, गाओगे कहीं और का, गजब बात हो गई भाई। भारत माता की जय कहां से, हिंदू से रिलेटेड है या किसी और धर्म से रिलेटेड नहीं है भाई। साजिद रशीदी, आपने कहा कि खाना नहीं खाएंगे,
वो शिवम त्यागी या राकेश पांडे जैसे लोग नहीं है जो मुसलमानों के हाथ का खाते नहीं है, जो नहीं खाते होंगे उनसे जाकर हमारे बहुत सारे मुसलमान भी हैं। तो ये भड़काऊ एजेंडा मत चलाइए। अंबर जैदी आप मुसलमान हैं क्या? आपका इस्लाम आपको भारत माता की जय बोलने की इजाजत देता है या नहीं? रुक जाइए रशीदी, हो गया रशीदी, सादिद रशीदी हो गया, रुक जाइए। राकेश मैं तो शुरुआती इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं अंबर जैदी भारतीय मुसलमान आज इस बड़े मौके पर, क्योंकि 78वां हमारे देश में एक ऐसा मौका है आजादी का, और उस मौके पर मैं सबको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। और जो रशीदी साहब ने बात कही कि भारत का मुसलमान कभी भी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन रशीदी साहब और तौकीर रजा खान जैसे सीरियल ऑफेंडर्स बार बार, जो देशभक्त लोग हैं, देशभक्त मुसलमान है, उनको अपनी मजहबी लाइन के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। रशीदी साहब आप चुप रहिए, आप अपना एजेंडा सुनिए। जब आप रशीदी साहब जय फलस्तीन जय भीम जय भी बोलते हैं, आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता, आपका दीन खतरे में नहीं आता जय फलस्तीन बोलने में। फलस्तीन ने कौन सा आपको जन्म दिया? जन्म दिया है भारत ने, पहचान दिए इस भारत ने, खाते हो आप इस भारत का, आपको इस देश से मिलता है। इस देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप ये बेहूदी बयानबाजी कर रहे, थोड़ा शर्म, थोड़ा इस्लाम से देखिए। एक मिनट साजिद रशीदी, ये किसी के बाप पर मत जाइए, किसी के बाप का देखने के लिए आपको नहीं बुलाया है। तो साजिद रशीदी प्लीज एकदम ना तो पर्सनल होइए, ना तो किसी के बाप पर और किसी के परिवार पर जाइए। ये बात आपको बहुत मैं सीधे तौर पर कह दे रहा हूँ। जो आदमी नहीं, एक तो आपने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं आपको अपने पैनल पर रख रहा हूँ, तो इसका नाजायज फायदा मत इस्तेमाल करिए सर, एकदम मत इस्तेमाल करिए, और किसी के बाप पर मत जाइए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। साजिद रशीदी ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, रुक जाइए, नहीं चलेगा। दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं संघ की आस्था है, संघ नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। चौक चौराहे पर जो मन आएगा बोलिएगा, लेकिन मेरे सामने आप एक तरीके से रहेंगे साजिद रशीदी, ये आपको पहले बता दे रहा हूँ, एक डेकोरम में रहेंगे। चौक चौराहे पर जो मन करे आप करिएगा, जो मन आए बोलिएगा। अब शांत रहेंगे, आप शांत रहिए, मुझे मत सिखाइए, शांत रहिए। दानिश कुरैशी संघ जब से वजूद में नहीं आया तब से भारत माता की जय का नारा अस्तित्व में है। इस देश का बच्चा बच्चा कहता है भारत माता की जय, उसके बावजूद संघ की आस्था है। देखिए मैं ये खा रहा हूं मीट है, ये आप खाएंगे, शायद आप नहीं खाएंगे, बेशर्मी के खाएंगे, हम हलाल की रोटी। नहीं, तो गोबर लग रहा था ये। नहीं क्या खा रहे हैं ये? दानिश कुरैशी आपको शर्म आ रही है? हिंदुस्तान की उसी भारत माता की जय बोलने के लिए कह रहे हैं दानिश कुरैशी आपको शर्म आ रही है कि भारत माता की जय के नारे की तुलना आप एक भोजन से कर रहे हैं जो आपको पसंद है? तो ये जो मोहतरमा है, ये आपको पहले रुक जाइए, मोहतरमा या शिवम त्यागी की बात नहीं है। मेरे सामने भारत माता की जय के नारे का अपमान नहीं चलेगा, ये पहले मैं बता दे रहा हूं, चाहे साजिद रशीदी हो चाहे दानिश कुरैशी हो। और भारत माता के जय के नारे की तुलना आप अपने पसंद के खाद्य पदार्थ से नहीं करेंगे, मीट से नहीं करेंगे। और अगर करेंगे दानिश कुरैशी तो माफ करिए सर, हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं इतने पहले बता दे रहा हूं आपसे। तिरंगे को सलामी लेंगे और उसके बाद बिरयानी बांटेंगे, आपको खाना हो तो आइएगा, मोस्ट वेलकम है, आइएगा। सर आप बिरयानी बांटिए, आप जो मन आए वो बांटिए, जिसको पसंद होगा खाएगा, जिसको नहीं पसंद होगा नहीं खाएगा, लेकिन तिरंगे की तुलना मीट बिरयानी या भारत माता के जय के नारे की तुलना आप मीट या बिरयानी से नहीं करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। दानिश कुरैशी आपको हमारा इन्विटेशन है, बिरयानी कलम बांटेंगे, आप आइएगा खाइएगा। एक मिनट अंबर 500 रुपए वाले बिरयानी खाने आते हैं आपके यहाँ? अंबर एक मिनट, हम लोग अपनी मेहनत। दानिश कुरैशी एक बात सुनिए, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, रुक जाइए, रुकिए। आप बिरयानी बांटिए, मीट बांटिए, जो आपका मन हो वो बांटिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तिरंगे या भारत माता के जय के नारे की तुलना मीट या बिरयानी से मत करके। इतना कह रहा हूँ, काम करने वाली महिला हमें बताएगी ये 500 रुपए में कौन क्या बोले पांडे जी, क्या बोला मेरे बारे में, क्या बोला इन्होंने?
दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी इस तरीके की भाषा स्वीकार्य नहीं है, आप मत रहिए, जाइए, नहीं रहना।